हेलो एंड वेलकम यू ऑल योर स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं स्टार्ट करूंगा एंड एडवांस लेवल तक जितने भी कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है सभी क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। बस आप कंटिन्यूअसली फॉलो कीजिए। अगर आप सारे लेक्चर्स देखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, उस लिंक पे क्लिक करो, आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर आपको इन टॉपिक्स के नोट्स चाहिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, उस ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। नाउ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द सेट ऑफ वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5x + 7, ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें x हमारे पास है वेरिएबल सेवन, हमारे पास एक कॉन्स्टेंट टर्म एंड प्लस है मैथमेटिकल ऑपरेशन। एंड ये जो 5 है ये x के साथ है, तो 5 जो है वो x का कोएफिशिएंट है। ठीक है, एंड 5x एंड 7x ये दोनों क्या है? टर्म्स हैं। यानी ये हमारे पास एक्सप्रेशन है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, दोनों क्या है? टर्म्स हैं। ओके, उसके बाद अगर हम बात करेंगे x मल्टीप्लाई बाय x, इसको अगर आपको सिंगल टर्म में एक्सप्रेस करना होगा तो कैसे करोगे? यहां पे x को 3 बार मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब ये हुआ x की पावर 3। ठीक है, उसके बाद x की पावर a है, मल्टीप्लाई बाय x की पावर b, मल्टीप्लाई बाय x की पावर c। इसको अगर आपको सिंगल टर्म में लिखना होगा कैसे लिखोगे? ये जो x है ना, ये है बेस एंड a इसकी पावर है, तो जब बेसिस सेम होती हैं पावर ऐड हो जाती हैं, यानी x की पावर a + b + c। तो इस तरह से हम इसको सिंगल टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। नाउ अगर आपको कोई कहेगा x की पावर a - b, ये किसके इक्वल है? इसको हम x की पावर a * x की पावर b - b लिख सकते हैं, है ना। अब जब पावर होती है माइनस में तो वो अपान में चला जाता है, यानी इज इक्वल टू x की पावर a / x की पावर b। जब आपकी पावर में माइनस होगा ना, उसका मतलब ये है कि ये अपान में है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहां पे मैं लिखूंगा x की पावर -b, अब ये नीचे में है, इसका मतलब ये हुआ इसको आप ऊपर ले जाओ, यानी x की पावर b। ये पॉजिटिव तब बनेगा जब हम इसको ऊपर लेंगे, अगर हम नीचे लेंगे तो ये क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। ओके, उसके बाद एक और चीज आपको याद रखनी है, अगर x की पावर n है और इसकी पावर m है, इसको हम कैसे लिखते हैं? x की पावर m * n। फॉर एग्जाम्पल अगर x की पावर 2 है और इसकी होल पावर 3 है, इसको आप कैसे लिखोगे? 3 × 2 = 6, यानी x की पावर 6। इसको आप इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो। उसके बाद x की पावर √2, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है x की जो पावर है ना वो है 1/2। ठीक है, अगर मैं लिखूंगा x की पावर x³√, ठीक है, तो क्यूब रूट का मतलब है x की पावर 1/3। ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करेंगे फार्मूलाज की, क्योंकि अलजेब्रा का मतलब ही है फार्मूलाज, अगर हम बात करेंगे, हमारे पास जो पहला फार्मूला है a² - b² ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है a - b
इन टू ए प्लस बी। अब आप कहोगे ये कैसे होता है, एक्चुअल में ये इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, देखो ये हमारे पास है ए, इसको अगर हमने प्रोडक्ट करना है मतलब ए को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर बी को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी ए इन टू ए प्लस बी, फिर माइनस बी इन टू ए प्लस बी। ठीक है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, ये हमारे पास बनेगा ए इन टू ए यानी ए स्क्वायर, प्लस इसको और इसको मल्टीप्लाई करो बनेगा ए बी, माइनस अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करो ये बनेगा बी ए या ए बी, चाहे आप ए बी लिखो चाहे आप बी ए लिखो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, माइनस इसको और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा बी स्क्वायर, यहां पे ए बी एंड माइनस ए बी ये हो जाएंगे कैंसल, आपके पास बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी जो आपके पास फार्मूला था ये हमने प्रूव कर दिया कि ये ए माइनस बी इन टू ए प्लस बी के इक्वल होता है। अब हम इस फार्मूले के बेस पे एक क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी, यहां पे हमने क्या करना है प्रोडक्ट फाइंड करना है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, तो करते हैं हम एक्स प्लस ए इन टू एक्स प्लस बी, करो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, ये जो पहली है टर्म है इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड टर्म को भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी x इंटू एक्स प्लस बी, फिर ये प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इसको और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ये आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर, प्लस इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा बी एक्स या एक्स बी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, प्लस इसको और इसको मल्टीप्लाई करो ये बनेगा ए एक्स, प्लस इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा ए बी। ओके, अब इन्होंने यहां पे बीच वाली टर्म में एक्स कॉमन निकाला है, यहां पे हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी इन टू, यहां पे अगर हम इसको कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस ए इन टू एक्स प्लस ए बी। अब यहां पे चाहे आप बी प्लस ए लिखो या ए प्लस बी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब आप ऑप्शन मैच करो तो हमारे पास पहला ऑप्शन यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। देखो क्वेश्चन हमारे पास है 36 पी स्क्वायर प्लस 49 क्यू स्क्वायर इंटू 6p प्लस 7q इंटू 6p माइनस 7q, क्या यहां पे हमारे पास फार्मूला नहीं बन रहा है, कौन सा वाला फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर आप 6p को a रखोगे इसको आप b रखोगे क्या ये a प्लस बी नहीं बन रहा है यहां पे, और यहां पे हमारे पास a सेम है 6p तो a माइनस बी 7q 7q, ये हम यहां पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे 36p स्क्वायर प्लस 49q स्क्वायर, ये हमारे पास बनेगा a स्क्वायर यानी 6p का स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है ये 6 के ऊपर भी है p के ऊपर भी है, जब 6 के ऊपर जाएगा तो 6 का स्क्वायर 36 फिर p स्क्वायर, तो मैं यहां पे लिखूंगा 36p स्क्वायर माइनस फिर 7q इसका स्क्वायर, जब ये स्क्वायर 7 के ऊपर आएगा ये बनेगा 7 7s are 49 और q का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये हमारे पास बना 49। ओके, अब ये हमारे पास फिर फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर से हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है, फिर से आप फॉर्मूला अप्लाई करो तो हमारे पास बनेगा ए स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर दैट इज 36
पी स्क्वायर, इसका हमारे पास स्क्वायर बनेगा माइनस बी स्क्वायर यानी 49 क्यू स्क्वायर, इसका हमारे पास स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब देखो जब आप 36 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास कितना आएगा, यहां से आगे करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यहां पे सीधा मैच हो रहा है आंसर ये वाला थर्ड ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि 36 का जब स्क्वायर करोगे वो 36 तो नहीं आएगा, ये तो नहीं आएगा, हमारे पास ये दो ऑप्शन बचते हैं। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे तो माइनस है, यानी माइनस वाला ठीक है, लेकिन हम इसको सॉल्व भी कर देंगे। अब यहां तक पहुंचे ही हैं तो 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296, और पी स्क्वायर यहां पे है पी स्क्वायर और इसका स्क्वायर 2 2 4 यानी पी की पावर 4 बनेगी, माइनस 49 का स्क्वायर 2401, क्यू हमारे पास है क्यू का स्क्वायर और ऊपर से स्क्वायर 2 2 4 आएगा क्यू, ये हमारे पास आंसर निकल गया। नेक्स्ट अब हम सीखेंगे, ये हमारे पास फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारे पास एक फार्मूला है। उसके बाद दूसरा फार्मूला हमारे पास है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारे पास हो गया सेकंड फार्मूला। यहां पे अगर आप एक काम करोगे, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं वो इनके बेसिस पे आते हैं और इनके रिजल्ट के बेसिस पे भी आते हैं, ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे, मैं लिखूंगा एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, अगर इनको मैं प्लस करूंगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अब ये जब प्लस होंगे तो ए और ए ये प्लस हो जाएगा, यानी ये हमारे पास बनेगा 2a स्क्वायर प्लस ये और ये प्लस हो जाएगा, बनेगा 2b स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे है 2a प्लस बी, यहां पे है माइनस 2a प्लस बी, ये हो जाएगा जीरो, यानी अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे, अगर मैं यहां पे 2 कॉमन निकालूंगा तो यहां पे हमारे पास ये आएगा, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपके पास एक रिजल्ट है। उसके बाद अगर मैं इन फर्स्ट एंड सेकंड को माइनस करूंगा, मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड, अगर इनको मैं माइनस करूंगा मेरे पास बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब जब ये माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जीरो हो जाएगा, अब यहां पे जब मैंने माइनस बाहर से रखा ये बनेगा प्लस, ठीक है ना, तो ये हमारे पास बनेगा 4ab, क्योंकि 2ab प्लस 2ab बनेगा 4ab, ठीक है, क्योंकि यहां पे मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया है, ये आपके पास दूसरा रिजल्ट आएगा। अगर आपके पास होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, वहां पे आपने फार्मूला एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं पड़नी है, आप सीधा उसको लिखोगे 4ab, ठीक है, ये हमारे पास दो रिजल्ट थे। अब हम क्वेश्चन करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर, क्या ये हमारे पास a और इसको हम b रखेंगे, है ना, इस पूरे को a इस पूरे को b, ये बना a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर माइनस अगर मैं इसको a मानूंगा, क्योंकि यहां पे मैंने a माना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जब हम इनको माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है 4ab, यही आंसर आता है ना, यही आंसर आना चाहिए, हमारे पास a है 2a तो 4 इंटू 2a और b हमारे पास है 3b इंटू 3b,
बस डायरेक्टली आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा 4 टू जार 8, 8 थ्री जार 24, ए बी 24 ए बी, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच अमंग द बिलो ऑप्शन कैन बी द स्क्वायर रूट। अब यहां पे हमने बताना है अगर हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कौन सा आंसर आएगा। करो इसका स्क्वायर रूट, अंडर रूट हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और दूसरा हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब देखो क्या ये हमारे पास फार्मूला नहीं बन रहा है, जो हमारे पास 49 है क्या ये 7 का स्क्वायर नहीं होता है। तो लिखो इसको, हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 7 का स्क्वायर है ना, और ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 की जगह पे हम नहीं लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49। अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे मैं आपको बताता हूं, यहां पे अगर मैं करूंगा एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर है ना, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 7 का स्क्वायर माइनस 2 ए और बी, 7 टू 14 तो बनेगा 14x। ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा, मैं इसको यहां पे लिखता हूं अंडर रूट, ये हमारे पास बना एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर। जब यहां पे साथ में माइनस था ना, आपके माइंड में एकदम से आना चाहिए कि अच्छा एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर बनेगा, इनटू यहां पे सब जगह प्लस है यानी एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है। अब इसका जो रूट है और ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर एक्स प्लस 3 वाला रूट और इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा एक्स माइनस 7 एक्स प्लस, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 1/8 इनटू दिस। क्या ये हमारे पास फॉर्मूला नहीं बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जब हम इन दोनों को माइनस करते थे हमारे पास क्या आंसर आता था, 4ab आता था कि नहीं आता था, बिल्कुल आता था। तो करो यहां पे 1/8 भी है बाहर से, इसको हम ऐसे ही रखेंगे इनटू 4। ए हमने क्या रखा है, ए हमने रखा है एक्स, ए हमारे पास आएगा एक्स इनटू बी हमारे पास है 1/y, 1/4, 4 1 4, 4 2 8 हमारे पास बनेगा एक्स अपॉन 2 और y को लगेगी मल्टीप्लाई यानी 2y, तो x अपॉन 2y हमारे पास आएगा आंसर, यानी x अपॉन 2y दैट इज फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इफ a प्लस b इज इक्वल टू 11 एंड ab इज इक्वल टू 15 देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू। अब यहां पे लिखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या हमने फार्मूला नहीं पढ़ा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस इसी फार्मूले में आपने वैल्यू पुट करनी है। अब ए बी, ए प्लस बी की वैल्यू है 11, यानी 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है तो लिखो ऐसे ही प्लस 2, ए बी कितना है, ए बी आपके पास है 15, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 15। अब 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, माइनस करूंगा मैं 15 टू जर 30, यहां पे है प्लस में, जब ये इज इक्वल टू के इस साइड आ जाएगा ये बनेगा माइनस, यहां पे प्लस था यहां पे माइनस प्लस स्क्वायर। अब आप 121 में से 30 निकालो आपके पास आएगा 91, यही हमारे पास आंसर आएगा, यानी सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 8 एंड ab इज इक्वल टू 5 देन 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे भी a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा है,
चाहे आप a प्लस बी लिखो या एक्स वाई लिखो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब यहां पे a है इसलिए मैं यहां पे फार्मूला लूंगा एक्स वाई, ठीक है, आपको अपनी चॉइस है, ये भी वही बनेगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है ना। अब x की जगह पे यहां पे है 2a, यानी x की वैल्यू है 2a एंड y की वैल्यू है 3b। अब यहां पे पुट करो, ये आपके पास बनेगा 2a प्लस 3b इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू x की वैल्यू है 2a यानी 2a का स्क्वायर प्लस 3b का स्क्वायर प्लस 2 into 2a, x की जगह पे मैं 2a एंड y की जगह पे मैं 3b लिख रहा हूं। अब देखो 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b इसकी वैल्यू है 8, लिखो 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास है 4a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 9b स्क्वायर, इसी की आपको वैल्यू निकालनी है। प्लस ये हमारे पास कितना बना, 2 2 4 4 3 12, यानी 12 AB, है ना। अब AB की वैल्यू है 5, तो AB की जगह पे डायरेक्टली आप लिखो 5, मैं इसको इरेज करता हूं और यहां पे लिखूंगा इनटू 5, क्योंकि बिकॉज AB इज इक्वल टू 5, ओके। अब 8 का स्क्वायर बनेगा 64, तो इसकी हमें वैल्यू रखनी है, इसको मैं इधर ही रखता हूं, और यहां पे बनेगा 12 5 60, इसको मैं लूंगा फिर इज इक्वल टू के इस साइड, तो यहां पे बनेगा -60, ये आपके पास आएगा 4, यानी इसकी जो वैल्यू है वो निकल के आ गई 4, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 43 एंड देयर प्रोडक्ट इज 50, फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। अब दो नंबर्स, लेट अस सपोज दैट हमारे पास एक नंबर है x, दूसरा नंबर है y, मतलब x माइनस y, ये हमारे पास है 43, ठीक है। प्रोडक्ट यानी इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x y, ये हमारे पास है 50। हमने क्या फाइंड करना है, सम ऑफ देयर स्क्वायर, यानी अगर हम इनका स्क्वायर करेंगे और प्लस करेंगे तो यही हमको फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो x माइनस वाई है ना, यानी यहां पे फॉर्मूला इस्तेमाल हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या मैं इसको एक्स वाई की टर्म में ही लिखूंगा क्योंकि यहां पे एक्स वाई है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2xy, करो वैल्यू पुट। अब x माइनस वाई की है वैल्यू 43, तो 43 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं इसकी जगह पे सीधा यहां पे बॉक्स रखूंगा, बार बार नहीं लिखूंगा, या लिखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 xy, x का x y की वैल्यू है 50, यानी इनटू 50 52 100 100, फिर ये मैं इसको इस साइड लूंगा, तो 43 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 100। अब देखो यहां पे जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, 43 को जब आप स्क्वायर करोगे, मतलब 43 into 43, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 3 3 9, यानी 9 हमारे पास यूनिट प्लेस पे आएगा, तो 9 एक ही जगह पे है, यानी सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब यहां पे आप स्क्वायर करके प्लस 100 करो तो यही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a माइनस बी इज इक्वल टू 5 एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 45, देन द वैल्यू ऑफ ए बी, आपको ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां पे क्या करोगे, a माइनस बी है ना, तो यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a माइनस बी है 5, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है 45, 5 का स्क्वायर हो गया 25, माइनस हो जाएगा 45 इज इक्वल टू बनेगा माइनस 2ab,
ये बनेगा 20, लेकिन माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 2ab, ये और ये खत्म। 2 1 2, 10 2 20, यानी ab की वैल्यू आपके पास आ गई 10। यही आपको निकालना था, यानी सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इफ 7x माइनस 10y इज इक्वल टू 8, xy की वैल्यू है 5, देन द वैल्यू ऑफ 49x² प्लस 100y², ये भी आपको ऐसे ही करना है। यहां पे माइनस है तो माइनस लगा दो, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस हो गया b² माइनस 2ab, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास जो a है, a की वैल्यू है 7x और b की वैल्यू आपके पास है 10y, ठीक है ना। तो मैं यहां पे वैल्यू रख देता हूं, यानी 7x माइनस 10y इसका हो गया होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू a², यानी हमारे पास 7x इसका स्क्वायर प्लस b², यानी हमारे पास जो 100 है, 100y का स्क्वायर, सॉरी 100 नहीं 10, ये हमारे पास 10 है, ये स्क्वायर करके बनेगा 100, 10y का स्क्वायर माइनस 2a यानी 7x इंटू 10y, 7x माइनस 10y, 7x माइनस 10y, ये वैल्यू कितनी है, ये हमारे पास है 8, हम लिखेंगे 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास बनेगा 49, 7 7 49 x² प्लस 10 10 100 100y² और इसी के हमने वैल्यू निकालनी है ना। यहां पे देखो तो माइनस 7 2 14, 14 10 140, फिर बनेगा xy, है ना, यानी xy। अब यहां पे xy की वैल्यू है 5, तो मैं यहां पे रख देता हूं इसकी जगह पे इंटू 5, क्यों, बिकॉज xy इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब इसको और इसको आप मल्टीप्लाई करो, आपके पास क्या बनेगा, 8 8 64 64, ये आपके पास बनेगा 700, तो ये यहां पे प्लस बनेगा इज इक्वल टू, ये टर्म मैं ऐसे रखूंगा, ठीक है। अब इसको इसको मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 760, यानी सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 एंड xy इज इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ये भी हमें ऐसे ही करना है, माइनस है यानी यहां पे लगेगा a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। अब देखो यहां पे हमारे पास a की वैल्यू है 4x, मैं यहां पे लिखता हूं, a की वैल्यू है 4x और b की वैल्यू आपके पास है 3y, है ना। जब हम यहां पे वैल्यू रखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 4x माइनस 3y, तो इसकी यहां पे वैल्यू है 12, मैं डायरेक्टली लिखूंगा 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू, जब मैं a रखूंगा 4x तो ये बनेगा 4x का स्क्वायर, तो ये बनेगा 16x का स्क्वायर, मैं सीधा लिखूंगा 16x² प्लस 9y², है ना। जब मैं b की जगह पे रखूंगा 3y तो ये बनेगा 3 3 9, यानी 9y² माइनस 2 इंटू, a की वैल्यू है 4x और b की वैल्यू कितनी है, b हमारे पास है 3y, ओके, तो 12 का स्क्वायर हो गया 144, इसी के हमने वैल्यू फाइंड करनी है और फिर डिवाइड करेंगे 8 के साथ, वो लास्ट में करेंगे, इसको मैं नहीं लिखूंगा, इसकी जगह मैं ऐसे रखूंगा, ठीक है, क्योंकि ये रिपीट करूंगा तो फायदा नहीं है कुछ। यहां पे हमारे पास बनेगा माइनस 4 2 8 8 3 24 24 xy, अब xy की वैल्यू है 5, मैं यहां पे रखूंगा इंटू 5, 24 इंटू 5 बनता है 120, जब इस साइड आएगा यहां पे माइनस में है, यहां पे प्लस में बनेगा प्लस 120, ये आपके पास कितना बनेगा 264, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये हमारे पास आ गया 16x² प्लस 9y², इसकी वैल्यू, अब हमने इसको डिवाइड करना है 8 के साथ, तो करो डिवाइड 8 के साथ,
क्या हमारे पास आएगा 33, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 एंड ए बी इज इक्वल टू 60, देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो इसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं। अगर मैं ए रखूंगा 12, बी रखूंगा 5, क्या ये इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? अब मैंने ए बड़ा क्यों लिया, 5 छोटा क्यों लिया, क्योंकि यहां पे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और सारे यहां पे पॉजिटिव हैं, इसका मतलब ए फिर बड़ा होगा और यहां पे भी दिया है ए बड़ा है बी से, तो 12 5 और 60 ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। यहां पे करो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 144 प्लस 25, तो ये भी सेटिस्फाई हो रही है, तो डायरेक्टली यहां पे वैल्यू पुट करो 144 यानी 12 का स्क्वायर माइनस 25, तो ये आएगा 190, यानी ये वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारे पास है हिट एंड ट्रायल, एंड ये आप तब करोगे जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ये आएगा जब इसमें आप एक्सपर्ट हो जाओगे। अभी आपको मैं समझाऊंगा बेसिक मेथड से। अब बेसिक मेथड में क्या करोगे, यहां पे आपके पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी, तो यहां पे आप कैसे करोगे, हम जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। उसके बाद ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप कब निकालोगे, जब आपके पास a माइनस बी इन टू ए प्लस बी होगा, क्योंकि ये तो इसी की एक्सपेंडेड फॉर्म है ना। ओके, अब हमने यहां से निकालना है a माइनस बी एंड a प्लस बी। ठीक है, पहले मैं निकालूंगा a प्लस बी, अब वो कहां से निकलेगा, वो निकलेगा फर्स्ट इक्वेशन से। अगर मैं यहां से जो स्क्वायर है ये यहां से हटा के यहां लाऊंगा तो ये रूट बनेगा, यानी ये हमारे पास बनेगा a प्लस बी, हमारे पास बनेगा फिर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। अब हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है 169, तो इसकी जगह पे हम रखेंगे 169 प्लस 2ab, ab की जगह पे है 60, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 60, 169 प्लस 62 120, ये आपके पास बनेगा अंडर रूट 289, तो 289 का रूट होता है 17। ठीक है, यानी a प्लस बी आपके पास आ गया 17। अब आपको निकालना है a माइनस बी, ये जो स्क्वायर है इसको इधर लाओगे तो बनेगा अंडर रूट, ठीक है ना। अब इसको मैं लिखता हूं, यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसकी वैल्यू है 169 माइनस 2 इंटू ए बी की वैल्यू है 60, ये आपके पास बनेगा अंडर रूट 169 माइनस 120, है ना। ये आपके पास कितना रहेगा 49, तो 49 का रूट होता है 7। ठीक है, यानी आपको मल्टीप्लाई करना है 17 मल्टीप्लाई बाय 7, वो आपके पास आएगा 119। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a प्लस 2b इज इक्वल टू 10 एंड 2ab इज इक्वल टू 9, देन a माइनस 2b, यहां पे आप ये जो हमारे पास है ना मॉड, इसका मतलब है पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, इससे आप डरना नहीं, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास है a प्लस बी और यहां पे है a माइनस बी, यानी यहां पे इस्तेमाल होगा हमारे पास फार्मूला, आप चाहे x में लिखो या ab में। अगर मैं लिखूंगा x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, ये किसके इक्वल होता था, ये होता था 4xy। अब मैंने ये क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि यहां पे हमारे पास ए बी की वैल्यू गिवन है एंड ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है, यानी एक्स प्लस वाई की वैल्यू गिवन है, तो आराम से एक्स माइनस वाई निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको आप इस साइड शिफ्ट करो, इसको इधर शिफ्ट करो, हमारे पास एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर
इधर लाओगे तो बनेगा माइनस फोर एक्स, ये है माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, इधर जाके बनेगा सीधा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये वाला माइनस इधर खत्म हो जाएगा। अब आप आराम से वैल्यू डाल सकते हो, यहां पे हमारे पास एक्स की जगह पे है ए और वाई की जगह पे है टू बी, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो, आपके पास बनेगा ए प्लस टू बी का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू बी, आपके पास क्या है वाई, आपके पास है टू बी, ठीक है, इज इक्वल टू, ये भी आपके पास बनेगा ए माइनस टू बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहां पे ए प्लस टू बी, ए प्लस टू बी यह है टेन, तो लिखो टेन का होल स्क्वायर माइनस, ये बनेगा फोर टू जार एट, या इसको आप ऐसे रखो फोर टू ए बी, है ना, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ये आपके पास ऐसे बनेगा टू ए बी, और इसी की वैल्यू यहां पे है टू ए बी है नाइन, तो लिखो नाइन इज इक्वल टू ए माइनस टू बी का होल स्क्वायर, टेन टेन जार हंड्रेड माइनस नाइन फोर जार थर्टी सिक्स इज इक्वल टू ए माइनस टू बी का होल स्क्वायर, यह हमारे पास बनेगा 100 माइनस 36 यानी 64, ठीक है। तो हमारे पास बनेगा a माइनस 2b का स्क्वायर इज इक्वल टू 64, जब स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बनेगा, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ निकालना था a माइनस 2b, इसलिए मैंने स्क्वायर हटा के उधर ले लिया, तो 64 का रूट होता है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 7, a माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 8ab इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन में ये हमारे पास गिवन है, ये हमने फाइंड करना है। अब यहां पे a माइनस b का होल स्क्वायर, अगर आप a माइनस b का होल स्क्वायर करोगे यानी ये वाली जो टर्म है ना ये आपके पास अवेलेबल ऑलरेडी है। अब आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसकी वैल्यू नहीं है और ए बी की वैल्यू नहीं है। अब हमें पता है ए बी की वैल्यू हमें कब मिलती है, जब हम करते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको अगर हम माइनस करेंगे ना ए माइनस बी का होल स्क्वायर, हमारे पास आता है फोर ए बी, है ना। अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी अंडर रूट सेवन का होल स्क्वायर, और ए माइनस बी है फाइव, दैट इज अंडर रूट फाइव का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए बी, ये हमारे पास बनेगा सेवन माइनस स्क्वायर और रूट यहां पे कैंसिल फाइव, यानी फोर ए बी, तो फोर ए बी सेवन माइनस फाइव, ये हमारे पास आया, ठीक है। तो हमें चाहिए एट ए बी, अगर हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे टू के साथ तो हमारे पास बनेगा एट ए बी इज इक्वल टू फोर, ये हमारे पास निकल गया ये वाला, ठीक है। अब हमें चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो कहां से निकलेगा, वो निकलेगा जब हम करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, हम करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ओके। अब देखो ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी अंडर रूट सेवन का होल स्क्वायर, और हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको हम ऐसे ही रखेंगे, है ना, प्लस टू ए बी, टू ए बी की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी ना, हमारे पास है फोर ए बी इज इक्वल टू टू, अगर मैं फोर ए बी इज इक्वल टू टू लिखूंगा, अगर मैं यहां से भी डिवाइड करूंगा टू तो यहां से भी करना पड़ेगा टू, टू वन जार टू, टू टू जार फोर, टू वन जार टू, टू वन, यानी टू ए बी की वैल्यू आएगी वन, तो 2ab की जगह पे रखो 1, है ना, स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो बचेगा 7, यहां पे प्लस 1 है, इधर जाके बनेगा माइनस 1, यानी इज इक्वल टू 6, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है 6। अब आप आराम से निकाल सकते हो अपना क्वेश्चन। अब 8ab इसकी जगह पे रखो 4 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसकी जगह पे रखो 6 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी रूट फाइव का स्क्वायर, ये और ये कैंसल, तो आपके पास बचेगा फाइव, सिक्स फोर जार ट्वेंटी फोर
माइनस फाइव ये आएगा 90, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला था उस पे हमने काफी क्वेश्चन किए, अब हम आएंगे क्यूब वाले फॉर्मूले पे, ए प्लस बी का होल क्यूब। जरा मुझे बताओ ये किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास इक्वल होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए स्क्वायर। ओके, उसके बाद इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अगर यहां से थ्री, दोनों जगह थ्री है कॉमन निकाल सकते हैं, ए बी दोनों जगह है, अगर हम इनको कॉमन निकालेंगे अंदर क्या बचा, यहां पे ए स्क्वायर था यानी दो ए थे, एक हमने बाहर निकाला अंदर से बचा ए, प्लस यहां पे दो बी थे एक हमने बाहर निकाला तो अब बचा बी, ए यहां से बाहर चला गया बी यहां से बाहर चला गया, यह हमारे पास बना फिर ए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, ये इसी का रिजल्ट है, ये आपको याद होना चाहिए। नाउ ये हमारे पास है ए प्लस बी का होल क्यूब का रिजल्ट। अगर आपको चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब कैसे निकालोगे, अगर हम इसको यहीं पे रखेंगे और इसको इधर शिफ्ट करेंगे ठीक है, तो हमारे पास बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, इसको इधर लाओ तो ये हमारे पास बनेगा a प्लस बी का होल क्यूब है ना, माइनस इधर जाएगा तो माइनस बनेगा 3ab into a प्लस बी। ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे भी a प्लस बी है यहां पे भी a प्लस बी है, अगर मैं ये कॉमन निकालूंगा तो हमारे पास बनेगा a प्लस बी, यहां पे था क्यूब अब बनेगा स्क्वायर क्योंकि एक ए प्लस बी बाहर चला गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बनेगा थ्री ए बी, ये निकला आपके पास रिजल्ट यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इन टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस थ्री ए बी, ठीक है। यहां से एक और रिजल्ट निकलता है जो आपने बुक में पढ़ा होगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं ये बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये भी आपको होना चाहिए याद, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब के आपने दोनों फॉर्मूला याद रखने हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस थ्री ए बी या ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, जब आप रोज इनको देखोगे ना ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। जब एट्थ वालों को याद हो गए तो क्या आपको याद नहीं होंगे, बिल्कुल आपको डेफिनेटली याद होंगे, आपने अपने दिल और दिमाग से डर खत्म करना है और आपने सोचना है एटलीस्ट मैं एट्थ वाले से तो बेहतर हूं, अगर ये एट्थ वाले को याद हो जाते हैं तो मुझे याद क्यों नहीं होंगे, अगर इस तरह से आप करोगे तो आराम से ये सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। यहां पे आपने ये दो रिजल्ट याद रखे और यहां से ये वाले, ठीक है, और ये दो। उसके बाद हम बात करेंगे माइनस वाले फॉर्मूले की, यानी a माइनस बी का होल क्यूब, ये किसके इक्वल होता है, ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। अब इसको आप कैसे याद रखोगे, मैन यहां पे कंफ्यूजन हो जाती है माइनस की, अब देखो बी के साथ माइनस है ना तो आगे भी इसके साथ माइनस रहेगा, अब यहां पे बी को स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर की वजह से खत्म होगा वरना साथ रहेगा, यहां पे बी का स्क्वायर नहीं हो रहा था तो साथ था, यहां पे बी का क्यूब हो रहा था तो साथ था, बस इस तरीके से आपने याद रखना है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अगर आप यहां से कॉमन निकालोगे थ्री ए और बी, आपके पास बचेगा यहां पे ए, यहां पे हमने माइनस बाहर रखा तो अंदर फिर यहां पे माइनस आएगा क्योंकि जब माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट में फिर ये फिर प्लस बना देगा, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास इसका रिजल्ट। ओके,
इसी तरह से मैं यहां पे डायरेक्ट लिखूंगा आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा ए माइनस बी इंटू फिर यहां पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस थ्री ए बी, ओके। और इसी का हमारे पास दूसरा होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। जब हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ना, सिर्फ यहां पे बाहर पे माइनस होता है, अंदर सब जगह प्लस होता है। तो यहां पे आपने याद रखना है जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा सब जगह प्लस होगा, सिर्फ जो ए बी है इसके साथ माइनस होगा, बाकी ये दोनों सेम है। यहां पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो ए माइनस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और पीछे वाले में हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इस तरह से आपने इन फॉर्मूलाज को याद करना है। अब हम करेंगे क्वेश्चन इन्हीं के बेसिस पे। क्वेश्चन हमारे पास है इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू दिस, ए प्लस बी इज इक्वल टू दिस, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस थ्री ए बी, ये हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। अब यहां पे कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हम लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हमारे पास होता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर फिर माइनस ए बी, ओके। यही तो हमने निकालना है ना, यानी बाकियों की जगह पे हम वैल्यू रखेंगे। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है 1344 इज इक्वल टू ए प्लस बी है 28 इंटू ये वाली, ये मैं ऐसे इधर लिखूंगा, ठीक है। अब 28 को इसके साथ मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड बनेगा, यानी 1344 डिवाइडेड बाई 28, इसको डिवाइड करो आपके पास 48 है, और यही आपके पास आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 5824, ए प्लस बी हमारे पास 28 है, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब गिवन है, तो यही फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हमारे पास होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, है ना। अब देखो ये जो हमारे पास है अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये किसके इक्वल बनेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और फिर ये वाला। अब देखो माइनस टू ए बी और ए बी, इसको अगर आप माइनस करोगे ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, है ना। तो यही तो ये है, यानी आपको सीधा इसकी वैल्यू निकालनी है, वही इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपके पास है 5824, अब ये यहां पे मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड बनेगा। अब ए प्लस बी है 28, यानी सीधा आपको डिवाइड करना है 28 के साथ, इसको 28 से डिवाइड करो आपके पास आएगा 208, और यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 405 और ए प्लस बी हमारे पास 9 है, हमने ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जो चीजें हमें गिवन है उसी का हम इस्तेमाल करेंगे, है ना। हम यहां पे लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हमारे पास आएगा ए प्लस बी इंटू, यहां पे हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये वाला इस्तेमाल करेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पे हमारे पास ए प्लस बी यही गिवन है। अगर हम यहां पे लिखते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां पे गिवन है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, कहां से लाएंगे, है ना, तो वही इस्तेमाल करेंगे। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारे पास 405 है इज इक्वल टू ए प्लस बी कितना है 9, तो इसको मैं यहां पे मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड बनेगा, तो मैं इसको सीधा लिखूंगा यहां पे अपान में 9, है ना, इनटू ए प्लस बी, ये हमारे पास 9 है, यानी 9 का स्क्वायर माइनस 3 ए बी। अब इसको और इसको करो डिवाइड, आपके पास कितना आएगा, ये आपके पास आएगा 45 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81, यहां पे प्लस में है, इधर जाके माइनस बनेगा माइनस 3 ए बी, ये आपके पास बनेगा 36 माइनस
इज इक्वल टू माइनस थ्री, माइनस माइनस कैंसल, थ्री वन जर थ्री, ट्वेल्व, थ्री जर 36, यानी ए बी की वैल्यू आपके पास आ गई 12। यही तो आपको निकालनी थी, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 27 ए क्यूब माइनस 2 रूट 2 बी क्यूब। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। जरा यहां पे आप देखो, क्या ये हमारे पास 27 3 का क्यूब नहीं है? बिकॉज जब 3 का क्यूब करोगे वो 27 बनेगा, यानी ये हमारे पास है 3 ए का होल क्यूब, ऐसे ये हमारे पास है। माइनस अब यहां पे है 2 रूट 2, क्या ये हमारे पास जो रूट 2 है इसका अगर हम क्यूब करेंगे ये हमारे पास बनेगा रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2। अब ये दो तो स्क्वायर बनेगा ना, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बनेगा 2 रूट 2। ये तो हमारे पास फिर हो गया ना रूट 2 और बी इसका होल क्यूब। यही तो हमने सिंप्लीफाई करना है, यानी ये हमारे पास आया, अगर इसको हम रखेंगे इस वक्त एक्स, तो एक्स क्यूब, सॉरी स्क्वायर नहीं बल्कि क्यूब, यानी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब ये किसके इक्वल होता है? ये हमारे पास होता है एक्स माइनस वाई, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, है ना। तो करो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करो, तो ये हमारे पास बनेगा एक्स वाई, यानी 3a माइनस अंडर रूट 2b। ये सब जगह है तो यहां पे हम ऑप्शन वेरिफिकेशन अभी नहीं लगा सकते, है ना, इंटू एक्स स्क्वायर, यानी हमारे पास x की जगह पे है 3a, 3a का स्क्वायर, तो 3a का स्क्वायर क्या बनेगा, 3 3 9, यानी 9a का स्क्वायर, ठीक है। फिर हमारे पास है प्लस, अब देखो यहां पे माइनस माइनस है, ये ऑप्शन भी खत्म, ये ऑप्शन भी खत्म, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा अंडर रूट 2b, अंडर रूट 2 और b का होल स्क्वायर, ये और ये कैंसल, सिर्फ b के ऊपर स्क्वायर रहेगा, ठीक है ना। तो 2b का स्क्वायर, दोनों जगह अभी यही चल रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास एक्स वाई है, यानी आपको मल्टीप्लाई करना है 3a मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 इंटू बी, ठीक है ना। ये आपके पास बनेगा ए बी, फिर बनेगा 3 रूट 2, यानी प्लस 3 रूट 2 और ए बी, यही तो हमारे पास है ना यहाँ पे 3 रूट 2 ए बी, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन हमारे पास है द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस। यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट निकालना है, तो निकालो, हमारे पास है 2x प्लस वाई इसका होल क्यूब, तो ये हमारे पास बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, यानी 2x का स्क्वायर 3a स्क्वायर बी प्लस 3a और b का स्क्वायर। आपको चाहिए x स्क्वायर, x स्क्वायर सिर्फ यहां पे है, बस इसी वाली टर्म को आपने पकड़ना है और नीचे पे लिखना है, ठीक है। ये बनेगा आपके पास, जब 2 का स्क्वायर हो जाएगा बनेगा 4 और x स्क्वायर और y, ठीक है। तो 4 3 जा 12, 12y x2। अब कोफिशियंट का मतलब क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में आपको कहूंगा, कोफिशियंट का मतलब होता है साथी, ठीक है। यानी x2 का साथी कौन है? जो टर्म होगी x2 वाली, वहां पे x2 का साथी कौन है? तो x2 का साथी है 12y, ठीक है। तो यही इसका कोफिशियंट आएगा, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the constant term in the expression? यहां पे आपको constant term निकालनी है। तो ये क्या है? ये अगर आपके पास a है, ये है b, यानी a माइनस b का होल क्यूब, ठीक है। तो लगाओ फॉर्मूला, 5x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x, ये बनेगा a क्यूब, यानी 5x स्क्वायर इसका क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, उसके बाद माइनस 3 ए स्क्वायर, यानी 5 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इनटू बी प्लस 3 ए और बी स्क्वायर, यानी 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। अब देखो, कांस्टेंट टर्म वो होती है जहां पे कोई भी वेरिएबल साथ नहीं होता है। तो यहां पे सिर्फ ये इस वाले टर्म में वेरिएबल साथ में नहीं होगा,
कैसे नहीं होगा, क्योंकि अपान में भी स्क्वेयर बनेगा, बनेगा 3 × 5, ठीक है, तो एक्स स्क्वेयर इंटू 1/x2, ये और ये हो जाएगा कैंसल, तो 5 × 3 = 15, तो ये आपके पास आएगी कॉन्स्टेंट टर्म, यानी सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, ये रहेगा आपका होमवर्क, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा क्या आपका आंसर मैच हुआ या नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 8 + 2px² और यहां पे देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, यहां पे हमने p की वैल्यू निकालनी है, हम लिखेंगे 8 + 2px² -36x - 27x³ = 2 - 3x³। अब देखो ये जो है ना सिंगल लाइन में इसका आंसर आ जाएगा, आपने क्या करना है, ये जो यहां पे है ना इसी की एक्सपेंशन ये है, आपने सीधा एक्स स्क्वायर वाली टर्म पकड़नी है और इन दोनों को इक्वेट करना है, लेकिन अभी फिलहाल आपको समझ नहीं आएगी इसलिए मैं इसको एक्सपेंड करके लिखता हूं। पहले देखो a माइनस बी का होल क्यूब दैट इज a³ - 3a² b और प्लस 3a हमारे पास है 2 और 3x है b और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारे पास बनेगा 8 - 3 × 9 = 27x³, उसके बाद माइनस ये हमारे पास कितना बनेगा 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 एंड 12 × 3 = 36 प्लस यहां पे हमारे पास बनेगा 3 × 2 = 6, उसके बाद यहां पे बनेगा 3 × 3 = 9 क्योंकि इसका स्क्वायर है ना 9 × 6 = 54 यानी 54x². अब देखो ये जो यहां पे है ना इसको ऐसे यहां पे लिखो 8 + 2px² - 36x - 27x³। अब इसको हमने करना क्या है, 8 और 8 कैंसिल, उसके बाद -36 - 36 खत्म, -27x³ और -27x³ खत्म, अब बची सिर्फ दो टर्म px² = 54x², बाकी हो गया 0। अब देखो x² और x² कैंसिल, हमारे पास 2 × 1 = 2, 27 × 2 = 54 यानी p की वैल्यू आ गई 27। यही मैं आपको कहना चाहता था, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोफिशियंट ऑफ x³y, अब इसको कैसे करोगे, देखो इसको हम लिखेंगे x - 2y × 5x + y, इसको हम इस वक्त एक्सपेंड नहीं करेंगे बिकॉज अभी हम मैंने आपको बहुत बार बता दिया कि a + b³ किसके इक्वल होता है। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, फिर सेकंड टर्म को भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, मैं लिखूंगा x × 5x + y³ - 2y × 5x + y³। यहां पे हमने कोफिशियंट बताना है x³y। अब देखो एक x यहां पे बाहर पे ऑलरेडी है मल्टीप्लाई में, अंदर में मैंने देखनी है वो टर्म जिसमें x का स्क्वायर होगा, क्योंकि अगर x का स्क्वायर होगा फिर बाहर पे भी x है वो बनेगा x³, ठीक है, तो अंदर वाली टर्म कौन सी होगी जिसमें x²y होगा, जरा मुझे बताओ। पहले हमारे पास क्या होगा a³ यानी x का क्यूब, ये नहीं होगी, फिर b³ ये भी नहीं होगा, फिर हमारे पास बनेगा 3a²b, तो ये हमारे पास होगी यानी 3a² और b, है ना, बाहर से x से मल्टीप्लाई है तो ये बनेगा 5 × 5 = 25, 25 × 3 = 125 यानी 125 और x³y। एक तो ये निकला इसका कोफिशियंट यानी 125। ओके अब इसमें देखो, अब इसमें आपने देखना है आपके पास आना चाहिए x का क्यूब, क्योंकि y बाहर पे है, y से जब मल्टीप्लीकेशन लगेगी तो बनेगा yx³, ठीक है, तो यहां पे पहली ही टर्म है वहां पे x³ होगा यानी 5x³।
बाहर पे है माइनस टू वाई, बस यही टर्म आपको लिखनी है, ज्यादा आपको एक्सपेंड करने की जरूरत है ही नहीं, बिकॉज हमारी काम की सिर्फ दो टर्म्स हैं, ठीक है। तो 5 का अगर हम करेंगे क्यूब, 5 5 25 25 5 125, मैंने कहा माइनस 2y into 125 x cube, ये हमारे पास बनेगा x cube y, है ना। इसी का हमने कोफिशियंट निकालना है, 25 2 250, माइनस आपको करना है माइनस 20 250, तो करो 250 में से माइनस करो 125, आपके पास आएगा 175, तो यही हमारे पास आंसर आ जाएगा, माइनस 175, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया तो आप क्या करोगे, इसको आप एक्सपेंड करोगे, यानी a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला लगाओगे, जब एक्सपेंड करोगे फिर x माइनस 2y के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो x क्यूब y वाली टर्म्स होंगी उनके आपने कोएफिशिएंट देखने हैं, आपका आंसर निकल गया। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे रखते हैं, कल हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको समझ आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।